वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विश्व भर में मनाए जा रहे काला मोतिया सप्ताह के उपलक्ष में रोटरी क्लब सुंदरनगर द्वारा भी एक जागरूकता कैंप का आयोजन स्पाइस गार्डन में किया गया, जिसमें नागरिक चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर रुड़की ने आंखों के रोग काला मोतिया पर रोटरी क्लब के सदस्यों को जागरूक किया। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि काला मोतिया के चलते दृष्टि स्क्रीन होने लगती है। यदि किसी के परिवार में पहले से किसी को काला मोतिया है या किसी की उम्र 45 वर्ष के ऊपर की उम्र है तो उन्हें रूटीन में वर्ष में एक बार आंखें जरूर चेक करवानी चाहिए। यदि आंखों की रोशनी कम हो रही है और सर में दर्द है और उल्टी आ रही है तो ऐसी स्थिति में तुरंत आंखों के चिकित्सक को दिखाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, सही रोशनी में आंखों से संबंधित कार्य करना चाहिए। काला मोतिया के लक्षण उपरांत इलाज में कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए और तुरंत उपचार शुरू करना चाहिए और दवाई स्वयं पर लेते रहना चाहिए। वहीं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर रुड़की ने उपस्थित रोटेरियन से आह्वान किया कि काला मोतिया पर अपने आसपास के लोगों से चर्चा करें और उन्हें काला मोतिया पर जागरूक करें। इस मौके पर जानकारी देते हुए रोटरी क्लब सुंदरनगर के अध्यक्ष ईटीएन महाजन ने बताया कि जागरूकता कैंप में नागरिक चिकित्सालय से विशेषज्ञ डॉक्टर संजीव कुमार सहित 50 के करीब महिला व पुरुष रोटेरियन उपस्थित रहे। मार्च का जो दूसरा सप्ताह है WHO इसको काला मोतिया सप्ताह के रूप में मनाता है। इन दिनों में हम लोग कॉमन लोगों से बातचीत करते हैं कि काला मोतिया क्या है और काला मोतिया किस प्रकार से नज़र को ख़राब कर सकता है। काला मोतिया में जो नज़र चली जाती है वो वापस नहीं आती है, सिर्फ उसका इलाज हो सकता है पर नज़र वापस नहीं आएगी। और कुछ काला मोतिया ऐसे भी है जिसको एंगल क्लोजर ग्लोकोमा कहते हैं, उसमें इतना सडन अटैक पड़ता है कि सिर दर्द होगा आपको, नज़र कम हो जाएगी, उल्टियां तक भी हो सकती हैं। और यदि यह काम आपका 5 दिन तक रह गया तो आपकी नज़र परमानेंट चली जा सकती है। जैसे कि काला मोतिया जो है इसका कई बार सिम्टम्स नहीं होते हैं और मरीज को पता नहीं चलता है, तो जो भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर है वो साल में एक बार काला मोतिया की जांच अपने डॉक्टर आंखों के डॉक्टर के पास जरूर करवाएं। ये हमारा आपसे और लोगों से निवेदन रहेगा कि वो जरूर साल में एक बार आंखें चेक करवाने जरूर आएँ।